नमस्कार दोस्तों, कॉमर्शियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुभाष झरिया जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपन प्याज की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। प्याज एक ऐसी व्यावसायिक फसल है जो सही व्यवस्थित तरीके से की जाए, अच्छे ढंग से की जाए और अगर अच्छा बाजार मूल्य मिल जाए तो किसानों को बहुत ही अच्छा मुनाफा ये दिला सकती है। तो छोटा सा वीडियो है दोस्तों, पूरी डिटेल कवर करने की कोशिश की है शुरू से लेकर अंत तक की, तो वीडियो पूरा देखें और साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबाते रहें। हाँ दोस्तों, ये अपने प्याज ट्रांसप्लांट होके रेडी हैं। तो दोस्तों, प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जमीन की तैयारी की। तो जमीन तैयार करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को प्रति एकड़ के हिसाब से 5-6 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद आप डालेंगे और उसके बाद में 4-5 जुताई आपको अच्छे से करनी है, गहरी जुताई करनी है और जमीन को बिल्कुल नरम तैयार कर लेना है। और लास्ट जुताई से पहले दोस्तों, आपको एक बेसल डोज बना के वो डालनी है। तो बेसल डोज के अंदर आप यूरिया, डीएपी, पोटाश की एक एक बोर ले लें और उसमें से आधी मात्रा आप लास्ट जुताई से पहले डाल लें और जो आधी मात्रा बचेगी वो आप निराई गुड़ाई के बाद में आपको डालनी है। तो आप जब बेसल डोज की आधी मात्रा डाल के और लास्ट जुताई करके जमीन को तैयार कर लें। अब आपको जिस हिसाब से सिंचाई करनी है, फ्लड से, ड्रिप से या स्प्रिंकलर से, उसी तरीके से जमीन तैयार करें। अगर स्प्रिंकलर से करनी है जैसे अपन ने की है यहाँ पे, तो आप समतल जमीन तैयार कर लें, या ड्रिप से करनी है बेड बना लें, या फिर अगर आपको डायरेक्ट सिंचाई करनी है, फ्लड सिस्टम करना है, तो आप उस हिसाब से क्यारियाँ तैयार कर लें अपने पानी की उपलब्धता के अनुसार। और उसके बाद आपको दोस्तों इसमें प्याज की रुपाई करनी है। तो दोस्तों, प्याज की रुपाई आप अच्छी क्वालिटी के बीज से तैयार की हुई पौध लें और उससे की रुपाई करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिसके द्वारा आप नर्सरी कर रहे हैं, तो अच्छी नर्सरी के बीज से तैयार की हुई पौध का आप रुपाई कर दें। रुपाई आप 3-3 इंच के फासले पे करेंगे, लगभग 3 इंच का फासला आप रखेंगे तो उससे आपके प्याज की साइज बहुत ही अच्छी आएगी। और उसके बाद में रुपाई करने के बाद में आपको इरिगेशन कर देना, यानी सिंचाई कर देनी है। तो सिंचाई करने से पहले आप खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप पेंडेमेलाथिन डाल सकते हैं, तो उसको आप स्प्रे कर लें, या फिर आप डीएपी के अंदर या रेत के अंदर या बजरी के अंदर किसी भी तरह से उसको मिला करके उसका बुरकाव कर दें और उसके बाद में सिंचाई करें, तो उससे खरपतवार नहीं उगेगा और आपकी निराई गुड़ाई के अंदर काफ़ी सहायता हो जाएगी। तो आपको निराई गुड़ाई के अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या मजदूरी से करवाते हैं तो मजदूरों का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद भी खरपतवार कुछ निकलता है तो आप उसके लिए भी बाद में भी खरपतवार के लिए स्प्रे कर सकते हैं। तो निराई गुड़ाई के बाद में जो आपने आधी बेसल डोज बनाई थी यूरिया, डीएपी, पोटाश की जो आधी आपके पास में बची हुई है वो आपको डालनी है और फिर सिंचाई करनी है। तो दोस्तों, आगे सिंचाई आपको पहली सिंचाई अच्छे से करनी है, उसके बाद में सिंचाई आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हल्की सिंचाई ही हमेशा करते हुए चलना है जब तक प्याज फूलने ना लग जाए। यानी ये प्याज आपका मई के अंदर तैयार होगा तो अप्रैल तक आप हल्की सिंचाई करेंगे, अप्रैल से फिर आप सिंचाई अच्छे से करना स्टार्ट करेंगे। प्याज ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो प्याज आपका पीला पड़ जाएगा और प्याज की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो आपका प्याज पीला ना पड़े इसलिए सिंचाई हमेशा हल्की करें, आवश्यकता अनुसार ही करें, तो आवश्यकता से ज़्यादा पानी ना दें। अब निराई गुड़ाई हो गई, उसके बाद में आप 15-20 दिन बाद इसके अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट देने से क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका प्याज है तो प्याज एक तो ऊपर से जैसे ये वाला हिस्सा है ये सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, तो ये पीला नहीं पड़ेगा और सूखेगा नहीं। और साथ ही साथ जो प्याज के नीचे वाला हिस्सा है जैसे ये व्हाइट वाला,
ये भी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये व्हाइट वाला हिस्सा जितना मोटा होगा, जितनी अच्छी ग्रोथ होगी, उतना ही अच्छा आपका प्याज पड़ेगा। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, जिससे ना ऊपर से पीला पड़ेगा और आपका व्हाइट वाला हिस्सा बहुत ही मोटा बनेगा। उसके बाद दोस्तों, आप प्याज की अच्छी ग्रोथ के लिए इसके अंदर जिंक भी डाल सकते हैं। तो जिंक डाल दें और अच्छे से सिंचाई करते रहें। जब प्याज आपका फुल ग्रोथ करने लग जाए, यानी प्याज की गांठ नीचे से मोटी होने लग जाए, उस समय आप 0050 इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रे करके वो दे दें, जिससे प्याज और भी अच्छा बनेगा आपका। और साथ ही साथ में बोरोन का स्प्रे, या वो भी आप इरिगेशन से भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, बोरोन देने से आपके प्याज फटेंगे नहीं, और साथ ही साथ में प्याज के अंदर चमक भी अच्छी रहेगी, जिससे प्याज के अंदर मंडी जाएगा तो आपको अच्छी कीमत भी मिलेगी। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई पहली बार चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।